Hello everyone, welcome back to our study channel, that is Nagin group of study channel. Here we are again with our new chapter, that is mineral and energy resources. प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर को खत्म कर दिया था, उसका एंड हो गया था. हमने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. उसके बाद आपका जो नया टॉपिक आता है ना, नया चैप्टर आता है बेटा, वो है दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. तो आइए मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं. दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे पहले आया है बेटा, जिसमें आती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी हैज सच ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टूडेज वर्ल्ड दैट इट्स पर कैपिटा कंजप्शन इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट. क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन से बेटा, इसका डोमेस्टिक पर्पज पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, और डोमेस्टिक के साथ साथ आप इसको इंडस्ट्रियल यूज में भी इस्तेमाल कर सकते हो. दैट्स वाई जो पर कैपिटा कंजप्शन है, एक आदमी अपने दिन में कितनी बिजली की खपत करता है, इसको इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट माना गया है. तो आप इसका इस तरीके से आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है, कि इसकी ना पर कैपिटा कंजप्शन को ही डेवलपमेंट का इंडेक्स मान लिया गया है. कि जो जो भी सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करता है, इसका मतलब वो ज्यादा डेवलप्ड है, और जो कम इस्तेमाल करता है वो कम डेवलप्ड है. तो इलेक्ट्रिसिटी किसके अंडर आती है बेटा, आपकी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंडर आती है. आपके दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक तो होता है कन्वेंशनल और एक होता है नॉन कन्वेंशनल. पीछे जो हमने एनर्जी के पार्ट्स पढ़े थे, उस पार्ट्स में हमने हमने जो रिसोर्सेज पढ़े थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पीछे जो हमने पार्ट्स पढ़े थे वो रिसोर्स पढ़े थे, रेन्यूएबल पढ़ा था, एक नॉन रेन्यूएबल पढ़ा था. अभी उसका सेकेंड स्टेप आता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को हमने क्या रिसोर्स बताया बेटा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बताया है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड मेनली इन टू वेज. इलेक्ट्रिसिटी को आप दो वेज से आप इसको जनरेट कर सकते हो, दैट इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे आप फ्यूल का इस्तेमाल करते हो, या फिर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे इसका इस्तेमाल आप डैम्स वगैरह का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर सकते हो. वन जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली द सेम. लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के दो मेथड हैं, तो एक बार आपने वो अलग इलेक्ट्रिसिटी है या दूसरी इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, एक बार इसने आपको जनरेट कर दिया तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी ही रहती है. तो इसमें उसका कोई भी मेन वो नहीं रहता कि भाई वो हाइड्रो के द्वारा जो आपने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया वो अलग है. ये मेथड्स अलग हो सकते हैं, लेकिन इनको आपने अगर एक बार जनरेट कर दिया तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर. किसके द्वारा जनरेट की जाती है बेटा, ये फास्ट फ्लोइंग वाटर की तरह जनरेट की जाती है, विच इज रेन्यूएबल रिसोर्स, जो कि क्या है आपका, एक रेन्यूएबल रिसोर्स है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं. इंडिया हैज नंबर ऑफ मल्टीपर्पज. तो यहाँ पे देखो, जिसको हम बोल दें रेन्यूएबल, क्योंकि आपको पता है कि वाटर कभी खत्म ना होने वाली चीज है. वाटर साइकिल के द्वारा, हाइड्रो वाटर साइकिल होता है, एक बार जैसे आपका वाटर नीचे आता है अर्थ के ऊपर, वह वेपराइजेशन के द्वारा कंडेंस होकर ऊपर चला जाता है, और कंडेंसेशन से बादल बनते हैं, और बादल के द्वारा फिर नीचे आता है. तो जो कि ग्लेशियर्स वगैरह में या रेन के तरीके से वाटर साइकिल आपका क्या है, चलता ही रहता है. तो इसीलिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं, रेन्यूएबल सोर्स बोलते हैं. लेकिन इसके ना कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी हैं, जो कि हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था, कि जब भी हम कोई डैम्स बनाते हैं तो उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं. इससे हमारी वेजिटेशंस के ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है, वेजिटेशन के अलावा जो वहाँ की कम्युनिटी है जो वहाँ पे रहती है डैम के आसपास, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. इससे ना आपकी लैंड है उसके जो सेडिमेंट्स हैं वो डैम के बिल्कुल नीचे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, जो सोइल की फर्टिलिटी होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है. तो दीज आर द सम इम्पैक्ट विच आर ड्यू टू द डैम्स. तो डैम्स के यहाँ पे कुछ यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक ऐसा रिसोर्स होती है बट आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपका एक बिल्कुल रेन्यूएबल रिसोर्स है, जिसका हम इस्तेमाल हम करते हैं. आगे देखिए, इंडिया हैज ए नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाइक भाखड़ा नांगल दामोदर वैली प्रोडक्शन द कोपिली हाइड्रल प्रोजेक्ट एट इसी प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. तो सबसे पहले हमने बताया है भाखड़ा नांगल दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो कि इस चैप्टर में बेटा आपके मैप भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम मैप का इस्तेमाल भी करेंगे. तो वहाँ पे हम बहुत सारे डैम्स के बारे में बताएंगे कि कौन सा डैम कहाँ पे स्थित है, तो उसको भी उस हिसाब से भी आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा. देखिए, जैसे भाखड़ा और नांगल ये आपको दिख रहे हैं, एक तो इंडस रिवर है जो ऊपर से होकर बहती रिवर, इंडस और नीचे क्या है रिवर, सतलुज है आपकी. तो वहां से वो क्या होती है बेटा, आपकी
रिवर सतलुज में आपका क्या नांगल और भाखड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों अलग अलग हैं दोस्तों, भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है, ये आपको मैप के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे बेटा, जो जिसकी एक हिमाचल प्रदेश में है और एक आपका कहाँ पे है उत्तराखंड में स्थित है। और ये रिवर दामोदर के ऊपर कौन सा है बेटा आपका, दामोदर पर आपका कौन सा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर आपका कौन सा है, कोपिली बना हुआ है। तो इनकी ना मैप की तरफ से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनका मैप भी आने के पूरे पूरे चांस होते हैं, जहाँ पे आप किसी डैम का नेम दे दिया जाएगा, मैप के ऊपर उसको मार्क कर दिया जाएगा और उसके बाद उसका नाम पूछ लिया जाएगा। तो दीज आर द आल्सो सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मैप, मैप के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसमें आपको बताना पड़ता है कि कौन सा डैम कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा। आइए थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, किसका इस्तेमाल करके इस्तेमाल किया जाता है बेटा, कोल का, जो कि पेट्रोलियम या नेचुरल गैस का, जहाँ पे इन फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हैं नॉन रेन्यूएबल है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है बेटा ये नॉन रेन्यूएबल है, इनको बनने में हजारों हजार साल लग जाते हैं तब जाके इनकी प्रोडक्शन होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को करना, ये हमारे रिसोर्सेज को डिप्लेट करना हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन में जो नॉन रेन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हो रहा है बेटा, ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ना कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें तो हमारा क्या है रेन्यूएबल रिसोर्स है, पानी आपका क्या वाटर साइकिल के द्वारा ऊपर नीचे जाता रहता है और आता रहता है। देर आर 310 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, 310 का मतलब बेटा 310 थर्मल पावर प्लांट्स टोटल इंडिया में है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आते बेटा, तो पीछे हमने कौन सा सोर्स पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए नॉन कन्वेंशनल के अंदर कौन सा आता है बेटा, नॉन कन्वेंशनल में आते हैं बेटा जैसे द ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी हैज रिजल्ट इन कंट्री बिकमिंग इंक्रीज डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल सच एज कोयल ऑयल एंड गैस। देखो हमारी जो ग्रोइंग कंजप्शन हो रहा है ना एनर्जी का, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, देखो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ना अपने साथ ना बहुत ज्यादा चीजें लेके आती है, जिन चीजों के प्रति हमारी क्या होती है इम्प्लीकेशंस होती है हमारे को ना, जैसे फूड की नीड बढ़ जाती है, उसके अलावा जैसे पेट्रोल की नीड बढ़ जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो उसका मतलब है फिर वो दूसरी चीजों का कंजप्शन भी ज्यादा करेगी, तो सीधी सी बात है एनर्जी और रिसोर्सेज को भी ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अब मान ले सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर मान ले किसी भी माले परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जैसे वो स्कूल में जाने लगता है बेटा अब उसके लिए अलग से कॉपियां भी आएंगी, अलग से बैग आता है, उसके रिसोर्स वो भी तो रिसोर्स को यूज करना स्टार्ट कर देता है ना। तो ऐसी के साथ हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन, जैसे जैसे आपका मतलब पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है, वैसे वैसे आप रिसोर्स को भी खर्च करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी के साथ इंडिया किसके ऊपर इंक्रीजिंग डिपेंड किसके ऊपर होगी बेटा, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हो गई है, जैसे कोयल हो गया या ऑयल हो गया या फिर क्या होगी गैस होगी। देखो राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेजेज हैव रेज अनसर्टेनिटीज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन द फ्यूचर बेटा। जो राइजिंग प्राइस हो रहे हैं ना ऑयल के और गैस के एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेज आ रही है बेटा, हैव रेज द अनसर्टेनिटी अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई, इन्होंने क्या पैदा कर दिया बेटा अनसर्टेनिटी को पैदा कर दिया है एनर्जी की सप्लाई को, विच इज ऑन टर्न हैज सीरियस रिपीट रिपरकशंस ऑन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, जिसके सीरियस हैं जो इम्प्लीकेशन लगते हैं बेटा किसके ऊपर नेशनल इकोनॉमी के ऊपर। दोबारा पढ़िए देखिए राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेज हो गई है बेटा, शॉर्टेजेस का मतलब हो गया ये उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है अब जितनी मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए, हैव रेज द अनसर्टेनिटीज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन द फ्यूचर, की अनसर्टेनिटी हो गई है कि जितनी एनर्जी की सप्लाई फ्यूचर की रिक्वायरमेंट में होगी उतनी हम एनर्जी को सप्लाई कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। वी डोंट नॉट नो कि हमें नहीं पता है कि वो एनर्जी सप्लाई हमसे हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, विच इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशन ऑन द ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और इसका सीरियस रिपरकशंस पड़ेगा बेटा किसके ऊपर, ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी के ऊपर हमारा क्या पड़ेगा रिपरकशंस पड़ेगा। Moreover, increasing use of fossil fuel also cause serious environmental problems. और इनसे क्या प्रॉब्लम होती है बेटा, environmental problem भी इससे बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि fossil fuels के से क्या होता है बेटा, आप जैसे इनको डिग्रेड करते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिक पदार्थ हैं बेटा जो रिलीज होते हैं वो किस में चले जाते हैं एनवायरमेंट में चले जाते हैं, तो जिससे हम कह सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा इसने क्या कर दिया है एक सीरियस प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया। Hence,
देर इज प्रेसिंग नीड टू यूज रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी का या वाइंड एनर्जी का या टिडन एनर्जी का या बायोमास का एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। तो प्रेसिंग नीड किसकी है? रिन्यूएबल सोर्सेज की। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया जिसमें कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, तो इनमें हमें किसकी जरूरत है? रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स की जरूरत है, जिसमें जैसे सोलर एनर्जी आ गई बेटा, जो कि बिल्कुल रेन्यूएबल है, क्योंकि तो हर रोज सूर्य निकलता है। क्योंकि अगर देखो सूर्य नहीं निकलेगा तो फिर तो अर्थ की एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि तो हमें सारी एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? सूर्य से प्राप्त होती है। एनर्जी का सोर्स कौन है पृथ्वी की? सूर्य। तो हमें सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए या विंड एनर्जी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए या टिडल एनर्जी है बेटा जो हमारी ओशियन से रिलेटेड है, उससे बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल का है, इनसे इन एनर्जी के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? डिपेंड करना चाहिए। दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं बेटा। जैसे क्या हो गया हमारे, जैसे आप देख रहे हो ना नीचे आपको दिख रहा थर्मल दिख रहा है या यहाँ पे विंड एनर्जी दिख रही है या सोलर की प्लेट्स दिख रही है बेटा, दीज आर क्या बोलते हैं इनको? नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। इंडिया इज ब्लेस्ड विद एन एबंडेंस ऑफ सनलाइट। हमारे पास सनलाइट भी है, हमारे पास वाटर भी है, विंड भी है और बायोमास भी है, ये सब चीजें हमारे पास प्रेजेंट है। इट हैज द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और हमारे पास लार्जेस्ट प्रोग्राम्स भी है बेटा, ताकि हम डेवलपमेंट कर पाए किसकी? रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की। हम क्या कर पाए? डेवलपमेंट कर पाए। न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि जैसे जैसे हमारे साइंटिफिक में क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी का भी प्लेस आता है जब हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इट इज ऑब्टेन बाय एल्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। हम एल्टर का मतलब चेंज करते हैं किसको? स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। व्हेन सच एन अल्टरेशन इज मेड मच एनर्जी रिजल्टेड रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट की रूप में क्या होती है बेटा? वो रिलीज होती है एंड दिस इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में इसकी हेल्प मिलती है। जैसे यूरेनियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड द अरावली रेंज ऑफ राजस्थान। ये ध्यान करने की बात है बेटा, कौन सा सोर्स कहाँ से मिल रहा है? न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी में हमें यूरेनियम और थोरियम मिल रहे हैं बेटा, विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड द अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में। कहाँ पे? अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में, आर यूज फॉर जनरेटिंग एटोमिक और न्यूक्लियर पावर, जिसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है बेटा? जनरेटिंग एटोमिक और न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने में इसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम। जो मोनोजाइट है ना बेटा, ये क्या होता है? एक और होता है किसका? थोरियम का, जो कि केरला की मोनोजाइट है ना बेटा, मोनोजाइट सैंड, उसमें क्या मिलता है हमें बेटा? थोरियम मिलता है। तो ध्यान रखना बेटा, मैंने यूरेनियम और थोरियम के बारे में कहाँ पे अवेलेबल बताया? झारखंड में और अरावली रेंज में बताया है, राजस्थान में। आर यूज फॉर जेनेटिक एटोमिक और न्यूक्लियर पावर, किसमें जनरेट करने में? एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने में क्या करता है? हमारी हेल्प करता। तो यूरेनियम और थोरियम कहाँ मिलते हैं? एक तो झारखंड में और एक करावली रेंज ऑफ राजस्थान में। वहां पे थोरियम और यूरेनियम के एग्जांपल नीचे दे रखे हैं, ये थोड़ा सा येलो कलर का होता है और थोरियम थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का होता है। हम देखिए, और मोनोजाइट सैंड कहाँ की बेटा? केरला की। नीचे मैप में भी दिखाया गया बेटा, जो मोनोजाइट सैंड केरला की किसमें रिच है बेटा? वो थोरियम में रिच है। तो इसका इस्तेमाल भी किसमें किया जाता है? न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी में। अब बात आती सोलर एनर्जी की। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। देखो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एनॉर्मस पॉसिबिलिटी है और टैपिंग सोलर एनर्जी को, जिसमें हम किसको टैप कर सकते हैं? सोलर एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं बेटा? टैप कर सकते हैं। जैसे फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें सोलर प्लेट्स को छत के ऊपर लगा दिया जाता है और हम सनलाइट को टैप करके इसको डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन द रूरल एंड रिमोट एरिया। सोलर एनर्जी क्या बेटा? एक फास्ट है, बिकमिंग पॉपुलर कहाँ पे बेटा? ये रूरल एरियाज में और रिमोट एरियाज में क्या है? बिल्कुल पॉपुलर है बेटा। Some big solar power plants are being established in different parts of India, which will minimize the dependence of rural households on firewood and dung cakes के ऊपर। तो क्या बोल रहे हैं? Big solar power plants are being established in different parts में। कैसे है? Solar power plants क्या कर दिए हमने? Established कर दिए, which will minimize the dependence of rural household on firewood and dung cake। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा हम firewood के रूप में? जैसे wood का इस्तेमाल करते हैं और dung cake जो काऊ का या भैंस का जो गोबर होता है उसको हम dung cakes के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोलर पावर प्लांट्स के ऊपर हम क्या है बेटा? डिपेंड करते हैं और एस्टेब्लिश हो गया है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में। आगे देखिए, सोलर एनर्जी
विच इन टर्न विल कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। देखो सोलर एनर्जी के द्वारा हम एनवायरमेंट को क्या करते हैं बेटा, कंजर्व करते हैं, एडिक्वेट सप्लाई किसको करते हैं बेटा, मैन्योर इन एग्रीकल्चर में। देखो विच विल इन टर्न कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल का कंजर्वेशन भी होता है और एडिक्वेट सप्लाई होती है किसकी, मैन्योर की, किसमें, एग्रीकल्चर में, मैन्योर के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब आगे आती है विंड पावर के रूप में, देखते हैं विंड पावर। इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है बेटा। लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। ध्यान रखना बेटा विंड पावर की जब बात आएगी तो कहाँ पे, तमिलनाडु में है, जो कि नागरकोइल से कहाँ तक है बेटा, मदुरई तक है। नागरकोइल की देखो मैंने आपको दिखा दिया है मैप के अंदर, ध्यान देगी सबसे नीचे कहाँ पे बेटा नागरकोइल है, जो कि तमिलनाडु में प्रेजेंट है, और यहाँ से लेकर तमिलनाडु में बेटा और वहां कब तक, मदुरई तक। अब आपको देख लो मदुरई भी दिखाई दे रहा है मैप के अंदर, मैंने इसको मार्क कर दिया था, तो मदुरई तक इन दोनों में कहाँ किसका लगाया गया बेटा, लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर लगाया। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, जोड़, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्लस्टर बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप है इंपोर्टेंट विंड फार्म्स। अगर इसको अलग आंध्र प्रदेश में देखें या कर्नाटका में देखें या गुजरात में देखें या केरला में देखें या महाराष्ट्र में देखें या लक्षद्वीप में देखें, इसमें क्या इंपोर्टेंट विंड फार्म्स है बेटा, जिनको हम बोलते हैं इंपोर्टेंट विंड फार्म्स हमारे, जो वहां पे प्रेजेंट है। आंध्र प्रदेश देख लीजिए, या आप क्या कर्नाटका देख लीजिए, या फिर आपको गुजरात देख लीजिए, या फिर आप केरला देख लीजिए, या फिर आप महाराष्ट्र देख लीजिए, या फिर आप लक्षद्वीप देख लीजिए, इन सारी लक्षद्वीप आइलैंड पे भी क्या बेटा विंड फार्म्स के क्या है, इंपोर्टेंट विंड फार्म्स है। तो कौन कौन से एरिया मैंने आपको बताए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप है इंपोर्टेंट विंड के फार्म्स है यहाँ पे। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी। जैसलमेर की बात करें हम, एक तो नागरकोइल बने, जैसलमेर राजस्थान में है बेटा। यहाँ पे अभी भी रिसेंटली अडानी ग्रुप ने भी विंड के पावर का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसको लगाने की उन्होंने जो अपनी चर्चा थी वो स्टार्ट कर दी है। तो एक तो नागरकोइल की बात हो जो कि तमिलनाडु में प्रेजेंट है, या फिर जैसलमेर की बात हो जो कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, राजस्थान में प्रेजेंट है, या दोनों वेल नोन इफेक्टिव यूज के लिए किसमें है बेटा, कंट्री के जाने जाते हैं। अतः बायोगैस, शर्ब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस बेटा। देखो शर्ब्स होती है झाड़ियाँ होंगी, या फार्म का कोई वेस्ट है, जैसे एनिमल द्वारा का वेस्ट है या फार्म का कोई वेस्ट है, एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर द डोमेस्टिक कंजप्शन इन रूरल एरियाज। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है बेटा, रूरल एरियाज में किया जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड गैस, तो डिकम्पोजिशन जब भी ऑर्गेनिक मैटर का होता है उससे क्या होती है, गैस निकलती है, विच हैज हायर थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू किरोसिन, और किरोसिन से उनकी एफिशिएंसी, देखो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है ना बेटा वो अच्छे से जलती है, जैसे डंग केक हो गया या चारकोल हो गया, इनसे ज्यादा क्या होती है बेटा उसमें हायर थर्मल एनर्जी होती है। बायोगैस प्लांट आर सेट अप एट म्युनिसिपल या कोऑपरेटिव या इंडिविजुअल लेवल पे, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, म्युनिसिपल लेवल पे भी लगा सकते हैं, कोऑपरेटिव लेवल पे भी लगा सकते हैं, और इसको हम इंडिविजुअल लेवल पे भी लगा सकते हैं। तो बायोगैस को अगर कोई मान ले रूरल एरिया में लगाना चाहता है तो दैट इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। द प्लांट यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट, जिसमें कैटल का डंग का इस्तेमाल किया जाता है, कैटल के डंग को क्या बोलते हैं बेटा, गोबर बोलते हैं, तो उस प्लांट को क्या बोला जाता है, गोबर गैस प्लांट बोला जाता है, दैट इज नोन एज गोबर गैस प्लांट। दीज प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स टू द फार्मर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्योर भी मिलता है, और दूसरा उनसे हमें गैस भी मिलती है। बायोगैस इज बाय फार द मोस्ट एफिशियंट यूज ऑफ कैटल डंग, अगर हमें कैटल डंग का एफिशियंट यूज करना है ना तो सबसे ज्यादा इसका बेस्ट तरीका जो है कौन सा है बेटा, बायोगैस है। और इसकी एक सबसे अच्छी बात यह क्या है, एक तो ये एफिशियंट भी ज्यादा है, और दूसरी बात यह है इसका इस्तेमाल दो तरीके से किया जा सकता है, इसके रूप में आपको मैन्योर भी प्राप्त होता है और मैन्योर के साथ साथ आपको बायोगैस भी प्राप्त होती है, ये भी इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है। बायोगैस इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर, किसी क्वालिटी को इंक्रीज करता है बेटा ये मैन्योर, एंड आल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रीज, जिसे किसको प्रिवेंट करता है बेटा, लॉस ऑफ ट्रीज का या मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड के कारण, जो हमारा बर्न हो जाता है ना बेटा, जो इसके कारण हम लकड़ी को फ्यूल, मतलब जो हमारी वुड है उसको ऑब्टेन करने के लिए हम किसी पेड़ को काट देते हैं, या मैन्योर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड के कारण जो हमारा क्या होता है बेटा उसको बर्न करने से काउडंग के, इनसे ज्यादा, देखो इससे एक तो इम्प्रूव होती क्वालिटी ऑफ मैन्योर की,
एंड ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रीज। एक तो लॉस ऑफ ट्रीज नहीं होता क्योंकि आपको फ्यूल के रूप में गैस उपलब्ध हो जाती है एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड काउडंग केक से, और आपको क्या मिल जाता है बेटा, मैन्योर भी मिल जाता है। उससे आगे आता है टिडल एनर्जी। देखो टिडल एनर्जी होती क्या है, ओशियनिक टाइड कैन बी यूज, इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ओशियनिक टाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बेटा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, जैसे क्या करेंगे देखो, फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द इनलेट, में क्या बना देंगे हम फ्लड, क्या बना देते हैं बेटा हम एक फ्लड गेट बना देते हैं, डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द इनलेट में। उससे क्या होता है, ड्यूरिंग द हाई टाइड, जब भी हाई टाइड आती है वाटर फ्लोज इन टू द इनलेट एंड गेट ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज क्लोज। जब गेट क्लोज हो जाता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है बेटा, वो ट्रैप हो जाता है जब गेट क्लोज होता है। तो आफ्टर द टाइड फॉल आउटसाइड द फ्लड गेट, और जब टाइड आपके आउटसाइड द फ्लड गेट जाती है, द वाटर रिटेन बाय द फ्लड गेट फ्लोज बैक टू द सी वेयर पाइप, और पाइप के द्वारा किस में जाता है बेटा, सी में जाता है। दैट कैरीज थ्रू अ पावर जनरेटिंग टर्बाइन, जो कि क्या होता है बेटा, दैट कैरीज इट थ्रू अ पावर जनरेटिंग टर्बाइन से जाता है, जो कि आपको नीचे एरो के द्वारा दिखाया जा रहा है बेटा कि किस तरीके से वहां पे जाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो जब भी आपका फ्लड गेट डैम्स को बना दिया बिल्ड अक्रॉस द इनलेट जहाँ पे होती है, जैसे इनलेट होगी बेटा ड्यूरिंग द हाई टाइड जब भी आएगी बेटा, वाटर फ्लोज इन टू द इनलेट, जैसे दिखाया जा रहा है इसके अंदर चला जाएगा वाटर, और इनलेट एंड गेट ट्रैप्स व्हेन द गेट इज क्लोज, और गेट क्लोज हो जाएगा तो उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, आफ्टर द टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट, अब फ्लड गेट के आउटसाइड वाटर रिटेन बाय द फ्लड गेट फ्लोज बैक टू द सी, दोबारा कहाँ पे जाता है बेटा, सी में जाता है, लेकिन अब की बार जाता है किसकी हेल्प से बेटा, ये पाइप जो दिखाई दे रही है ना आपको, इसकी हेल्प से जाता है, और इसकी हेल्प से जाता है तो बेटा थोड़ा पावर जनरेटिंग टर्बीन होता है बेटा, जो जिसकी मदद से जाता है। आप देखो इन द इंडिया गल्फ ऑफ खंबा, देखो आपको दिखा रहा है ना, जो आपको रीजन दिखाया गया बेटा गल्फ ऑफ खंबा दिखाया गया है, लेफ्ट साइड में जो आपको फिगर दिख रहा है आपको गल्फ ऑफ खंबात दिखाया गया है, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात आर द वेस्टर्न कोस्ट पे, और गंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल साइड पे बेटा है, वेस्ट बंगाल प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी, जो कि टाइडल एनर्जी के लिए क्या बेटा बिल्कुल सुटेबल है। एक तो गल्फ ऑफ खंबात की बात हो रही है और एक गल्फ ऑफ कच्छ की बात हो रही है, जो कि कहां पे बेटा गुजरात में है, और वेस्टर्न में गंगेटिक डेल्टा और सुंदरबन रीजन से बेटा वो कहां पे है आपका वेस्ट बंगाल में बेटा, जो किसका आपको कंडीशन प्रोवाइड करवाता है यूटिलाइजिंग टिडल एनर्जी की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, वेस्ट बंगाल में दिखाई दे रहा है गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में दिखाया गया बेटा, अभी सुंदरबन में दिखाई दे रहा है बेटा, क्या विचार था, बेस्ट टिडल एनर्जी के लिए यूटिलाइजिंग करने के लिए कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब आती है जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है, रिफर टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाई यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब जियो थर्मल का मतलब जो हीट आपकी आती है कहाँ से, अर्थ से आती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है बेटा बाई यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जो हीट कहाँ से आती है, अर्थ के इंटीरियर से आती है। देखो अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर ऊपर टेम्परेचर फारना हाइट में ले रखा है बेटा, ऊपर होता 1250 और नीचे जाते हैं तो 2500 फिर 4000 हो जाता है, तो इस तरीके से टेम्परेचर क्या होता रहता है बेटा, हमारा इंक्रीज होता रहता है। देखो एक साइड में राइट हैंड साइड में तो आपको क्या दे रखा है, डेप्थ इन माइल्स में दे रखा है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, टेम्परेचर इन फारना हाइट में दे रखा है। जब आप 1250 जब आप 2500 माइल्स नीचे चले जाते हो तो टेम्परेचर विल बी 7200 फारेनहाइट हो जाता है, और जब आप और नीचे जाते हो तो 9000 फारेनहाइट हो जाता है 4000 माइल्स पे। तो इसके बाद क्या होता है, जियो थर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ, क्योंकि जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे आपकी जो जियो थर्मल एनर्जी है ना बेटा वो एग्जिस्ट क्यों करती है, डेप्थ के साथ साथ आपको हॉटर महसूस होने लगता है, गर्मी बढ़ती चली जाती है। वेयर द जियो थर्मल ग्रेडियंट इज हाई, जहाँ पे जियो थर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, हाई होता है, हाई टेम्परेचर फाउंड एट शैलो पैच पे क्या मिलता है आपको बेटा, हाई टेम्परेचर मिलता है। ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स, रॉक से क्या कर लेता है बेटा, ग्राउंड वाटर वहाँ पे एरिया हीट एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बिकम हॉट, और क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है बेटा। इट इज सो हॉट बट वेन इट राइज टू द अर्थ सर्फेस इट टर्न इन टू स्टीम, और किसमें बदल जाता है बेटा, वो स्टीम में बदल जाता है। दिस स्टीम इज यूज टू ड्राइव टर्बाइन, और स्टीम का इस्तेमाल हम किसमें करते हैं बेटा, टर्बाइन को ड्राइव करने में करते हैं एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं,
जनरेट कर देते। टू एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट हैव बीन सेट अप इन इंडिया टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी के लिए दो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। वन इज लोकेटेड इन द पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना बेटा, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है जहाँ पे क्या लगाया गया है, जियोथर्मल एनर्जी के लिए एक प्रोजेक्ट लगाया गया है। एंड द अदर इज लोकेटेड इन पूगा वैली। कौन सी वैली बेटा? पूगा वैली इन जम्मू एंड कश्मीर में लगाया गया। ये क्या एक लगाया गया, ये प्रोजेक्ट लगाए गए। ध्यान रखना बेटा, one is located in Parvati Valley near Manikaran in Himachal Pradesh and other is located in the Puga Valley in Jammu and Kashmir। कहाँ पे? Puga Valley में लगाया गया, जो कि कहाँ पे बैठा? Jammu and Kashmir में है। अब देखिए, how geothermal energy is produced, name the site when it is produced। देखो, geothermal energy exists, geothermal energy जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद द इंक्रीजिंग डेप्थ वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई। जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? आपका हाई होता है। एंड हाई टेम्परेचर आर फाउंड एट शैलो डेप्थ। और हाई टेम्परेचर कहाँ पे मिलता है आपको बेटा? शैलो डेप्थ में आपको कैसे टेम्परेचर मिलता है? हाई डेप्थ मिलता है। ग्राउंड वाटर इन सच एरिया एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स। ये कहाँ कर लेता है बेटा? हीट कर लेता है, एब्जॉर्ब किसमें से? रॉक्स में से। और बिकम्स हॉट, और क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। इट इज सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू अर्थ सरफेस, जब ये राइज हो जाएगा अर्थ सरफेस पे, इट टर्न्स इनटू स्टीम। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। दिस स्टीम इज यूज टू ड्राइव टर्बाइन्स। और इस स्टीम का इस्तेमाल किसमें किया जाता है बेटा? टर्बाइन को ड्राइव करने में एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। There are several hundred hot springs in India. हमारे बहुत सारे hot springs हैं, which could be used to generate electricity. जिसका इस्तेमाल हम किसमें कर सकते हैं? Generate electricity को generate करने में कर सकते हैं। Two experimental project have been set up in India to harness geothermal energy. जहाँ पे हमने दो experimental project लगाए हैं, जो एक तो कहाँ पे बेटा? पार्वती वैली नियर मणिकरण। एक तो मणिकरण में, जो कि कहाँ पे है? पार्वती वैली में। और एक कहाँ पे बेटा? हिमाचल प्रदेश में। और एक दूसरा कहाँ पे है बेटा? एक पूगा वैली है, जो कि कहाँ पे बेटा? लद्दाख में है। तो ये था हमारा कंजर्वेशन। हम देखो, ये हमारे पढ़े थे बेटा एनर्जी से रिलेटेड सारी बातें पढ़ी थी। अब नेक्स्ट जो क्लास लेके आएंगे, उस क्लास में आपका होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ तक हमने सारी एनर्जी के बारे में पढ़ा, कन्वेंशनल एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल के बारे में, और जियो थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा कि जो अर्थ की हीट के कारण होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, टेम्परेचर आपका हाई होता चला जाता है, और जो वाटर होता है वो कहाँ से हीट ले लेता है बेटा? रॉक से ले लेता है। और इट इज सो हॉट व्हेन अर्थ राइजेस टू अर्थ सरफेस, इट टर्न इनटू स्टीम। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। द स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइन को ड्राइव करने में हेल्प करती है, जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी। और दो साइट्स के बारे में पूछा, वो कौन कौन सी बेटा? एक पार्वती वैली है कहाँ पे? मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। और दूसरी कहाँ पे? पूगा वैली इन लद्दाख में है। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, जो कि आपकी सेकेंड क्लास में होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।